बड़ी खबर आ रही है वाराणसी की पिंडरा सीट से। अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं पिंडरा सीट पर, मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे अजय राय, पोस्टल बैलेट्स के रुझानों में आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर बागपत से भी है। बागपत बड़ौक में भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण पाल आगे चल रहे हैं कुर्सी सीट से, समाजवादी पार्टी के राकेश उस वक्त आगे चल रहे हैं प्राची। बिल्कुल लगातार एक एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं। बड़ौक से बड़ी खबर सामने आई, भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और इसके अलावा अगर कुर्सी सीट की बात करें तो सपा के राकेश कुमार आगे चल रहे हैं। हर एक बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वाराणसी की तस्वीर देखिए, 8 में से 3 के रुझान आ गए हैं, जिस पर 2 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 1 पिंडरा सीट पर कांग्रेस के अजय राय आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं राजेंद्र। बिल्कुल, और ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर वाराणसी के हमने आप ही रखे थे, और भी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। प्राची, बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। 136 सीटें 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी। पहले रुझान अगर देखें तो 26 पर रुझान आ गए हैं, जिसमें 18 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है, 7 पर सपा रालोद का गठबंधन आ गया है, बसपा एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। अभी कांग्रेस ने कोई लीड नहीं ली है, अन्य के खाते में भी कोई भी जाती हुई शुरुआती रुझान में नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल तो देखिए, ये टैली बहुत तेजी से बदलेगी, लेकिन शुरुआती रुझान क्या है वो हम अपने दर्शकों को समझा रहे हैं। 136 सीटें हैं, 26 पर रुझान सामने आ चुके हैं, और पश्चिम यूपी में भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। 18 सीटें रुझानों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए अगली, अब ये तस्वीर गौतम बुद्ध नगर की हमने रख दी है। 3 विधानसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई यहाँ पर प्राची दिखाई दे रही है। बिल्कुल, गौतम बुद्ध नगर की आपने बात की, 3 विधानसभा सीटें, तीनों पर कब्जा किया था 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार निगाहें सबकी बनी हुई है। अभी तक 1 सीट का रुझान सामने आया है, दादरी सीट का रुझान सामने आया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बाकी तमाम प्रतिद्वंदियों को उन्होंने पिछाड़ दिया है, लेकिन लगातार हम कह रहे हैं शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान है, अभी ईवीएम का खुलना बाकी है। शुरुआती रुझान के मुताबिक 42 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है।